अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं MW टेक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं YouTube पर वीडियो अपलोड करने का मुकम्मल तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप ये मुकम्मल तरीका सीखना चाहते हैं तो आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है और कहीं से भी आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली तमाम ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करते हैं और आपको मुकम्मल तरीका समझाते हैं आप कैसे YouTube पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपने YouTube को ओपन कर लेना है। मैं भी अपनी YouTube ओपन कर आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा आप कैसे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो के कैसे अपने टाइटल, कितने टाइटल लगाने हैं और डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद ये देखें, आपको नीचे वाली साइड पर एक प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने आ गया है क्रिएट अ शॉर्ट अपलोड अ वीडियो गो लाइव। आप शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं या वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या लाइव चलाना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करूँगा। अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने आपकी तमाम वीडियोज़ आ जाएंगी। अब जो भी अपलोड करना चाहते हैं आपने उसको क्लिक करना है। मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, ये देखें चेक कर लेना आप करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं MW टेक यू। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने आएगा टाइटल। आप अपनी वीडियो से रिलेटेड जो भी टाइटल लगाना चाहते हैं आपने लगा लेना है। इसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हम टाइटल लगाते हैं। मैंने तो टाइटल पहले से लिख कर रखा है, मैं वही इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने टाइटल शो हो चुका है, जैज फ्री इंटरनेट 2022। आपने 2 से 3 टाइटल लाजमी लगाने हैं जो भी अपनी वीडियो से रिलेटेड हैं आपकी। इसके बाद ये देखें आपके सामने आएगा ऐड डिस्क्रिप्शन, इस पर क्लिक करना है और इधर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। मैंने तो पहले से लिख कर रखी है, मैं इधर लगा लेता हूँ। ये देखें मैंने इधर पेस्ट कर दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। आ गया मोहम्मद वसीम, ये मुकम्मल मैंने। और इसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये देखें आपके सामने आ रहा होगा, मैंने अपनी वीडियो से ये रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो इधर लगा दिए हैं। ये भी आपने लाजमी लगाने हैं अगर आप अपनी वीडियो सर्च में लाना चाहते हैं तो। ये देखें इसके बाद आपके सामने आएगा वैसिबिलिटी। वैसिबिलिटी आप जो भी लगाना चाहते हैं, मैं फ़िलहाल अनलिस्टेड पर रहने दूँगा। और आपने पब्लिक करनी है पब्लिक कर लेनी है, जो भी आपकी मर्जी है। इधर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा ये देखें आपके सामने होगा ऑडियंस, इसको आपने यहीं रहने देना है। नो इट्स नॉट मेड फॉर काइड्स। इसके बाद लोकेशन आप देना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ऐड टू प्लेलिस्ट, ये सब करने के बाद ये देखें आपको नीचे वाली साइड पर ब्लू रंग का अपलोड लिखा नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आप देख सकते हैं मेरी वीडियो अपलोड होना शुरू हो गई है। ये देखें आपको नीचे वाली साइड पर नज़र आ रहा होगा, हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये हमारी वीडियो अपलोड हुई है या नहीं। आपने लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद ये देखें योर वीडियोज़ पर क्लिक करना है। ये देखें हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस पर फ़िलहाल मैंने अभी कोई थंबनेल नहीं लगाया, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। वैसे तो मैंने अनलिस्टेड की थी, आपको वो भी बताता हूँ मैंने अनलिस्टेड क्यों की थी और आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ये देखें आप देख रहे हैं ये YT स्टूडियो है, इसको आपने ओपन कर लेना है। अगर आपके पास इंस्टॉल है फिर तो ठीक है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये देखें आपके सामने ये YT स्टूडियो ओपन हो चुका है, ये हमारी वीडियो है। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा आप कैसे इस पर अपना थंबनेल लगा सकते हैं। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर वाली साइड पर ये पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इधर से अनलिस्टेड करने का मतलब यही था कि इधर से हम चेक कर सकते हैं कोई गलती तो नहीं हुई। ये आपने सब कुछ अपना चेक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो भी आप चेक करना चाहते हैं। इसके बाद वैसिबिलिटी पर जाकर चेक करने के बाद अगर ओके है तो आपने पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद आपने अपना थंबनेल लगाना है, इसके लिए आपने इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने
ये वीडियोस के कुछ शॉर्ट हैं जो वो कहते हैं ये थंबनेल लगा आप लगाना चाहते हैं तो लगा लेना है। मैंने तो पहले से बना के रखा है, इसलिए मैं कस्टम थंबनेल पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने बना कर रखा होगा इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें मैंने जो पहले से बनाया था इस पर लगाने के बाद ये देखें ऊपर डन का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी पब्लिक भी हो गई है और चेक भी कर लिया जो भी, यही था अनलिस्टेड करने का मतलब। और इधर से आपने सेव कर लेना है। अगली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा अपनी वीडियो का थंबनेल बनाने का तरीका, जो कि मोबाइल से मुकम्मल तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस हम आप तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचा सकें। ये था YouTube पर वीडियो अपलोड करने का मुकम्मल तरीका। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं आप कमेंट सेशन में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप YouTube की मुकम्मल खुफिया सेटिंग सीखना चाहते हैं हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे आप कैसे YouTube की मुकम्मल सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching my video. Subscribe my channel and press bell icon. Jazakallah.